गणमाध्यमर को नमस्कार। विजु जनता दल आज प्रेस मीट को आप समस्त को स्वागत। आम सहित अच्छा मीडिया टीम पैनलिस्ट श्री कुंभनाथ पंडा महोदय, आम सहित आम मीडिया टीम पैनलिस्ट अच्छा श्रीमती स्वागतिका महांती महोदय। एवं आज केन्द्र सरकार की प्रकार भाव में भारतीय जनता पार्टी ओडिशावासी सहित पदमपुरवासी सहित बारंबार प्रतारणा कर आसुची, ओडिशावासी को ठकुची से विषय लेकिन आम आपको आसीचु। ओडिशावासी गत आठ वर्ष मध्य देखले कि प्रकार भाव में केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार जो प्रकार आभिमुख्य नहीं ओडिशार जनसाधारण सहित एवं यही किसी दिन तले जो प्रकार भाव में पदमपुर जनसाधारण सहित प्रतारणा कर लंबा इतिहास एवं जे लंबा इतिहास किसी पृष्ठा आपमुखें आम अति संक्षिप्त रखा आसीचु। किसी दिन तले माननीय केन्द्रमंत्री आसते श्री तोमर एवं कहले कि नहीं राज्य सरकार के पाखे गच्छित अच्छी पैसा राज्य सरकार दौना या कहते ना या कहते पंदर नवेम्बर 2022 माननीय केन्द्रमंत्री श्री तोमर ट्वीट करके कहीं कहे इन्सुरेन्स कंपनी मान को पैसा देवे जदि राज्य सरकार के पाखे पैसा था तेज़ पैसा दे राज्य सरकार को निर्देश दूसरी पैसा दिंतु कहीं कहते इन्सुरेन्स कंपनी मानक कारण आज्ञा फसल बीमा योजन ना राज्य सरकार निर्देश किसी अच्छी ना कहार अच्छी क्या पाखे अच्छी फसल बीमा योजन इन्सुरेन्स कंपनी यहाँ हूँ स्पष्ट निजे केन्द्रमंत्री कहते श्री तोमर आज्ञा नवेम्बर 15 मुझ ट्वीट करके आज्ञा इन्सुरेन्स कंपनी मैंने पैसा देवे कहीं भ्रम कर कहीं आसिकी कहते आम निरीह चाषी मान को कि आम पैसा अटकई दे अटक आपण रोके आपड़े 15 नवेम्बर छाड़ा कहले आज पर्यंत आम चाषी भाई मैंने फसल बीमार पैसा पाई एटा भारतीय जनता पार्टी प्रतारण बोली आम कहले भारतीय जनता पार्टी बंधु मान कहीं कष्ट इनपुट सब्सिडी माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक कहे मुझ 200 कोटी टकर इनपुट सब्सिडी देवाई चाहूँ कौन कले भारतीय जनता पार्टी बंधु मैंने इलेक्शन कमिशन पाखे फुसफुस कहले आज्ञा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चलती आपण अलाउ करूँ ना विजु जनता दल तरफ आम स्पष्ट भाव में कहना चाहूँ जो दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उठब ए निर्वाचन राज्य सरकार इनपुट सब्सिडी बाबद को प्रत्येक टंका 200 कोटी टंकार चाषी भाई मान पाखे पहुंच मानव चाषी भाई मैंने 200 कोटी टंका पाई कहीं प्रतारणा कर कहीं आल नौ आपड़ अनेक बाहबाई नौ कौन चाषी मान आम कर 2017 ओडिशार विधानसभा को मुझे आपको फेरी नाप चाहिए जिते सर्वसम्मति क्रमे गृहत होता है पास होता कौन कि एमएसपी 2830 टका प्रति क्विंटल कराऊ मानव से दिन कौन आपणकर माननीय विधायक मैंने कि भारतीय जनता पार्टी थी आज्ञा विजु जनता दल रही कांग्रेस रे भारतीय जनता पार्टी थे समस्ते थे एक स्वर से कही 2017 कि एमएसपी को आपड़ 2830 टका वृद्धि करतु 5 वर्ष बीतीगला कहीं केन्द्र सरकार पाखे थे गली कले आम से कही आप केन्द्र सरकार को सामने देखिए धारणा दिंतु संसद सामने धारणा दिंतु भल हम विधानसभा सामने धारणा लाभ ना मानव आप भारतीय जनता पार्टी कही कि आज्ञा धान प्रोक्योरमेंट आम बहुत अनियमितता कर राज्य सरकार भी कौन ये धान प्रोक्योरमेंट उपर मुझे प्रश्न निर्दिष्ट भाव पचार संसद में तार नजीर अच्छी तार वीडियो अच्छी रिलीज होता जो थे मानव केन्द्रमंत्री से लिखे स्वीकार करते कि बड़का उषुना धान उषुना चाउल आम आउार उठेबु ना स्पष्ट भाव में कही कि ये आपंट कि मंडी चलू ना आज्ञा बड़का उषुना धान तो आपड़ा चाषी मान पाखु नापी मना कर देते राज्य सरकार प्रतबद्ध आम ओडार चाषी मानी आपण कि केन्द्रमंत्री मैंने स्पष्ट कहते नबुनु यहाँ प्रतारणा नुह आपण कही आपणकर ही अनेक चर्चा भारतीय जनता पार्टी कि चाषी आय आम द्विगुणित कर चाषी आय द्विगुणित करने 2022 गोटे टार्गेट भी नहीं था देढ़ गुण भी जब वृद्धि होता तो चाषी आय बहुत बड़ जिनसा मान्य आज पर्यंत चाषी मान आय द्विगुणित होगा छाड़ू आप जो देढ़ गुण वृद्धि करने प्रतिश्रुति स्वामीनाथन कमिशन रिपोर्ट अनुसार से वृद्धि कले स्वामीनाथन जी कौन कही सी टू वैल्यू अनुसार करूँ आप सी टू वैल्यू अनुसार कही ना ये विषय में नजीर अच्छी मुझे संसद में कही उत्तर देती से तार नजीर ओडिशावासी देखी बंधुगण से बेसी धनी ना आम केन्दुपत्र तोड़ी मैंने बेसी धनी
मत लगुच हीरार बेपार करती सुना हीरार बेपार करती बेस पैसा थी निश्चय आप जानी आश्चर्य हे केन्दुपत्र भारतीय जनता पार्टी सरकार केन्द्र सारे 18% जीएसटी लगे तो हीरा लगे जानते देढ़ प्रतिशत केन्दुपत्र 18% जीएसटी हीरा देढ़ प्रतिशत जीएसटी यूर आप बुझीपे कह स्वार्थ भारतीय जनता पार्टी सरकार नजर में बेसी एहम हीरार स्वार्थ बेसी एहम ना केन्दुपत्र तोलाणी से जगह माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक केन्दुपत्र तोलाली भाई भी मानक से अबिका पैकेज घोषणा कर बेस समय ने केवल गोटे बड़ प्रसंग को आसवि आवास योजना भारतीय जनता पार्टी बंधु मैंने कहते कि आज आप आवास विंडो खोली आवास खिड़की 2018-19 खोली आप खिड़की खोलला बेल आप कहीं दे मान मानि 2018-19 दि जाए ना 2019 आप ग्रहण कले 2020 ग्रहण कले 21 ग्रहण कले 22 ग्रहण कले चार वर्ष होगा कहीं दंड दौंस खंडे घर सैंक्शन करने एत कष्ट आपणकर ही स्वप्न देखते ओडिशावासी को कि 2022 सुधा हाउसिंग फॉर ऑल हम प्रत्येक घर कच्चा घर पक्का घर आपण स्वप्न को आप ही चुपमार कर आज 6 लाख रु ऊर्ध आम आदिवासी भाई भौनी माने पश्चिम ओडिशा और दक्षिण ओडिशा अपेक्षा कर घर टी मिल आप आलपण नौ आवास योजना जेहेतु पोर्टाल 2018-19 आप भरी नहांती आपन आगे घर दिजा ना अरे जदि भी आम आज आप कहते 18-19 होना 4 वर्ष बीतीगला आगला आज्ञा अबित आम निरीह ओडिशार आदिवासी भाई भौनी मानक दया देखा आवास पोर्टाल से खिड़कीटा जो आप ताला पकईकि रखी खोलतु युवगोष्ठी पर्यंत रेलवाई नहींकर नेशनल हाइवे पर्यंत टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी को नहींकर आपणकर बैंकिंग प्रॉब्लम पर्यंत रूरल हाउसिंग आवास योजना टू नहींकर आम पैडी प्रोक्योरमेंट पर्यंत धान समस्या टू नहींकर चाषी समस्या पर्यंत प्रत्येक जगार बारंबार क्रमगत भाव में क्रोनोलोजिकाली ओडिशा सहित प्रतारणा कर प्रथम आम पदमपुर को पदमपुर को कहीं पदमपुर एक प्रहेलिका सृष्टि करा भारतीय जनता पार्टी द्वारा आम प्रथम यहाँ श्रीमती कुकुनी साहूर चिठी थी आपने समस्त देखी ये शेष पृष्ठार गोटे ट्वीट थी मान्यवर केन्द्र मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान देखुरी आज खबरकगज ट्वीट बाहरी संबलपुर विषय ये मान्यवर केन्द्र मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान स्पष्ट कर 2018 कि पदमपुर रेल लाइन जोटा नुआपड़ बरगढ़ पर्यंत रेल लाइन वाया पदमपुर यह सैंक्शन कर दिखाई स्वीकृति प्राप्त अच्छी रेल मंत्रालय आश्चर्य विषय आज पर्यंत कौन सी जगह केन्द्र सरकार कहीना यहाँ सैंक्शन हो स्वीकृति प्राप्त होटा हूँ प्रथम प्रतारणा पदमपुरवासी सहित किसी दिन तेज मान्यवर केन्द्र मंत्री रेलवाई श्री वैष्णव आस्था सी कहले आउ गोटे विषय से कहले आप काली जमी दिंतु आज जमी दिंतु अब काली आरंभ करना मान्यवर ये चिठीट अच्छी केन्द्र सरकार रेलवाई विभाग आपणकर विभाग ना जो विभाग रे स्पष्ट भाव में 2019 जो रिपोर्ट थी केन्द्र सरकार से चिठी अच्छी टुकनी मैडम से चिठी में स्पष्ट भाव में कहुची दैट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज एग्रीड टू शेल्फ द अबव प्रोजेक्ट एटा रेल मंत्रालय एटा 2019 रे मान्यवर आपणकर ही केन्द्र सरकार चिठी ना जे कहला कि पदमपुर रेल लाइन टाकू आज बंद कर दि जाऊ आप्रुवाल न दि जाऊ आगु केन्द्र मंत्री कहते श्री प्रधान कि आज आम सैंक्शन कर 2019 आपणकर चिठी कहि आम बातिल कर दूचु क्या भुआ बोलाऊ पदमपुरवासी एत जिन बुझी पार ना आपड़ कि पदमपुर टाटे खर्च करा चाहूना कहीं 300 कोटी टाइम मान्यवर मुख्यमंत्री दया प्रस्तुत अच्छा लिखिकी देखते चिठी भी अच्छी टुकुनी साहूर मान्यवर मंत्री चिठी आपटा नाप चाहूना मगड़ा जमी मान्यवर मुख्यमंत्री दवाप चाहते आपटा नाप चाहूना इे आप कुंभीर कांदा कहते आज जमी दिव आम काली आरंभ कर प्रकार प्रकार टेलिकम कनेक्टिविटी टावर पहुँचुनी पदमपुर टावर पहुँचुनी ओडिशा पश्चिम और दक्षिण ओडिशा आम जब से कहलु कमें भूल यहाँ कौन भारतीय जनता पार्टी प्रतारणा नुह कि
ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ବନ୍ଧୁଗଣ ପଦମପୁର ସମ୍ବଲପୁର କଟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ହାଇୱେ ଟିକା କେତେଦିନ ଚାଲିବ? କ'ଣ ଆମ ପରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ସେ ହାଇୱେ କାମ ହେଉଥିବା ଦେଖିବା? ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ କହୁଛୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତାରଣା, ଆମେ କ'ଣ ଭୁଲ? ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କୁହେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଅଛି, ସେ ପାଇଁ ସେଠି ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଆମେ କହିବୁ, ପଦମପୁରବାସୀ, ପଦମପୁରର ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ଠକିବାର ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଛି ସେଟା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି ଏହି ସମୟରେ ଆମର ପଦମପୁରର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ତମାମ ଲମ୍ବା ତଥ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଆମର ପଦମପୁରର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ପଦମପୁରର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ମନକୁ ନେଇଥିବେ କଥା। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତାରଣା ହେଇଆସିଛି ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ପଦମପୁରବାସୀ 5 December 2022। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜବାବଟି ଆସିବ 8 December ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବୁଝିପାରିବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରିବାର ଉଚିତ ଜବାବ ପଦମପୁର କେମିତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀ ତୁମ